यू को निंगशी की तरफ से मैसेज आ गया तो सोंगवाला उसे कहता है अगर और कुछ नहीं कहना है तो फिर मैं चलता हूँ। सोंगवाला कहता है 2 साल पहले कॉम्पिटिशन में तुम्हारे ऊपर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया गया था ना, उसके लिए मैंने लॉयर से कॉन्टेक्ट कर लिया है, लॉयर तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाएगा तो उसे बस साइन कर देना। ये सुनकर यू चौंक गया कि क्या लॉयर। सोंगवाला कहता है इससे पहले तुम्हारी रेपुटेशन सिर्फ तुमसे ही जुड़ी थी लेकिन अब तुम मुझसे जुड़े हुए हो और तुम्हारी रेपुटेशन शियाशेंग ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है कि तुम कितने ज्यादा यूजलेस हो, तुम्हारा फैलाया हुआ कचरा मुझे साफ करना पड़ रहा है। यू सोचता है वो जरूर ही अजीब चीजें कह रहा है लेकिन क्या सच में वो मेरे लिए उस केस को फिर से खोलना चाहता है। और वो कहता है अगर हम उस पे मुकदमा चलाएंगे तो क्या हम जीत पाएंगे। सोंगवाला कहता है शियाशेंग ग्रुप के पास जो लॉयर्स है वो इस दुनिया के सबसे बेस्ट लॉयर है, अगर वो लोग इतना सिंपल सा मुकदमा भी नहीं जीत पाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है उसे हर साल इतनी हाई लीगल फीस चुकाई जाती है वो उसे डिजर्व करते हैं। मैं कभी भी लूजर्स को अपने साथ नहीं रखता, सिर्फ तुम ही एक एक्सेप्शन हो। उसका मतलब था कि तुम एक लूजर हो फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रख रहा हूँ। यू सोचता है वो बार बार ये कह रहा है कि वो खुद के और शियाशेंग ग्रुप के रेपुटेशन के लिए ये सब कुछ कर रहा है लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा तो मुझे हो रहा है। और वो कहता है तुम्हें परेशानी में डालने के लिए माफी चाहता हूँ और तुम्हारा शुक्रिया। सोंगवाला दूसरी ओर देख लेता है और कहता है अब जबकि तुम्हें ये पता है कि ये मेरे लिए ट्रबलजम है तो प्लीज आगे से ऐसी कोई भी चीज मत करना जिसकी वजह से मेरे लिए मुसीबतें बढ़े। फिर यू वहां से चला गया और वो निंगशी से उस कैफे में मिलने गया। वहाँ पे काफी सारे टाइप बी ब्लड वाले लोग ये नारा लगा रहे थे कि टाइप बी ब्लड वाले लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, मतलब इस कहानी में ऐसा है कि टाइप ओ ब्लड और टाइप ए ब्लड को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है, उनके अंदर काफी अच्छी अच्छी खूबियां होती है और यहाँ टाइप बी ब्लड के पास कुछ भी नहीं होता तो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता और उसे सिर्फ बचा कुचा काम ही मिलता है जिससे उसकी लाइफ मुश्किल बन जाती है। इसलिए टाइप बी ब्लड वाले लोग यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं कि उसे भी समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी ने यू को भी उसका एक पैम्पलेट दे दिया कि प्लीज हमें सपोर्ट करिए। फिर यू अंदर कैफे में आया, निंगशी से कहा कि सॉरी मैं लेट हो गया और उसने एक लेमिनेड ऑर्डर किया। निंगशी उस पैम्पलेट को देखती है और कहती है आखिर वो लोग अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ करने से कुछ हासिल हो जाता तो ये बहुत सालों पहले ही काम कर गया होता। यू कहता है अगर उन लोगों ने अपने नसीब को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जो लोग टाइप बी ब्लड वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही अपनी उम्मीद को खो देंगे। निंगशी हंसती हुई कहती है चलो भाई क्या तुम्हें इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है ये नहीं पता। टाइप ए और टाइप ओ ब्लड सीटो वायरस से कम्प्लीटली इम्यून है, मतलब कि सीटो वायरस की उस पे कोई भी असर नहीं होती। और जब ये दोनों ब्लड वाले लोग आपस में बॉन्ड बना लेते हैं उसका बच्चा होता है तो वो ए टाइप ब्लड का या फिर टाइप ओ ब्लड का होता है। और यहाँ टाइप बी ब्लड वाले लोग वो जन्म देने के बाद बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं रहते। एक बार अगर टाइप ए ब्लड टाइप ओ ब्लड को मार्क कर दे तो फिर उसे चिंता नहीं रहती कि टाइप ओ ब्लड उसे चीट करेगा। टाइप ए ब्लड के पास फिजिकल फिटनेस होती है, उसके पास आईक्यू होता है और टाइप ओ ब्लड वाले लोग खूबसूरत होते हैं, उसके पास टैलेंट होता है, वो क्रिएटिव होते हैं। टाइप बी ब्लड वाले लोगों के पास उनमें से कुछ भी नहीं होता। तुमने देखा ना कि टाइप बी ब्लड वाले लोग इस दुनिया में जरा से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि हम इस दुनिया से एलिमिनेट होना डिजर्व करते हैं? यू कहता है लेकिन टाइप बी ब्लड वाले लोगों के बिना भी ये दुनिया और ये सोसाइटी नहीं चल पाएगी, ऐसी काफी सारी जॉब्स है जिसमें टाइप बी ब्लड वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। निंगशी कहती है निंगयू तुम इतने ज्यादा भोले क्यों हो, पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे लेकिन उसके जाने के बाद भी ये दुनिया तो चल रही है ना। चलो इतनी भी पुरानी बात नहीं करते हैं, अभी जो सीटो वायरस कुछ 100 सालों से यहाँ पे चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। काफी सारे टाइप ए बी ब्लड वाले लोग उसकी वजह से मर गए हैं लेकिन इसकी वजह से सोसाइटी को तो कोई भी असर नहीं पड़ा। ऐसी काफी सारी जॉब्स है जो सिर्फ टाइप बी ब्लड वाले लोग करते हैं क्योंकि वैसी जॉब टाइप ए ब्लड या फिर टाइप ओ ब्लड करना नहीं चाहते। देखो इस कहानी में ब्लड टाइप को लेके लोगों को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन हमारी रियल लाइफ में आपका जो भी ब्लड टाइप हो इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आपका टाइप बी ब्लड है तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है।